कश्मीर फाइल्स में जिसका इतना क्रेज हमें देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद अब जब बच्चन पांडे की रिलीज नजदीक आ रही थी, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब कश्मीर फाइल्स का एक अलग ही क्रेज था, मन में थोड़ा सा डर था कि यू नो कहीं ऐसा ना हो कश्मीर फाइल्स की वजह से बच्चन पांडे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई भी डर नहीं था। पहले भी मुझसे सवाल पूछा गया और मैंने जवाब यही दिया था, और इसलिए मुझे कोई डर नहीं था, बिकॉज़ अच्छे सिनेमा के लिए हमेशा ऑडियंस रेडी रहती है। एक साथ अगर थिएटर में दो के बजाय पांच अच्छी फिल्में चल रही होंगी तो वो भी ऑडियंस देखने जाएगी, बिकॉज़ अच्छी फिल्में बनती बहुत कम है। तो मैं 100% श्योर था कि कश्मीर फाइल्स चल रही है तो बच्चन पांडे भी आके चलेगी, और हर फिल्मों की अपनी ऑडियंस है आज की तारीख में। और अच्छी फिल्मों से मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ फिल्में अच्छी होती हैं जिनको क्रिटिक्स बोलते हैं कि बहुत अच्छी हैं, और कुछ फिल्में होती हैं कमर्शियल जिनको शायद क्रिटिक्स बोले कि वो उतनी अच्छी नहीं है मगर पैसे वो कमा के देती है। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी फिल्म पैसे कमाए, और जब कोई भी फिल्म पैसे कमाती है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी और सक्सेसफुल हो ही जाती है। बट देन यू नो बच्चन पांडे और कश्मीर फाइल्स में एक डिफरेंस, जो ह्यूज डिफरेंस है, वो है ये है एंटरटेनिंग फिल्म। एंड अगर कश्मीर फाइल्स की मैं बात करूं तो यू नो वो एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, करेक्ट। डू यू थिंक कि उससे ऑडियंसेस का रुझान जो है वो चेंज? नहीं, ऑडियंस आज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, ये जब टैगलाइन देखती है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। आजकल वेब सीरीज़ में भी हम देख रहे हैं, फिल्में भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं ऑफ लेट, जो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, जिसका जो सच्ची घटना पे आधारित हो। तो पर दोनों तरह की ऑडियंस है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तरफ लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, जैसे मैं दोनों तरह की फिल्में देखना चाहता हूँ। मैं वो फिल्म भी देखूंगा जो कि रियल स्टोरी है, और जो एक इमेजिनरी एंटरटेनिंग स्टोरी है मैं वो भी देखूंगा। तो ऑडियंस के लिए तो हमें हर कुछ परोसना ही होगा।